गाइस तो आप लोग देख रहे हो कि ये अंकल जो है ये अंकल असम से आए हैं। अभी असम से कहाँ जाओगे अंकल? हम कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर, तो वहाँ से कैलाश मान मतलब असम से मतलब साइकिल से जर्नी करते हुए आए, देख रहे हो आप लोग। यहाँ पर लिखा है, बंगाली में भी लिखा है, कौश कैलाश ले जर्नी विद साइकिल एंड ऑन फुट टू कैलाश। तो अंकल अभी यहाँ से फिर तो साइकिल पर जाओगे आप? यहाँ से फिर आते आपको कितना दिन लगा? 5 दिन लग गया। 5 दिन लग गया ना। फिर आप स्टे कहीं होटल पे किया हो कोई? आज तो न्यू जलपाईगुड़ी में। अच्छा अच्छा, आप अंकल न्यू जलपाईगुड़ी में स्टे किया। अभी देख रहे हो साइकिल पे आ रहे हैं, आप लोगों को दिखा देता हूँ एकदम। अंकल फिर मस्त एकदम पूरा तैयारी के साथ निकले हैं। और अंकल को कहना चाहता हूँ कि एकदम सेफ जाए और एकदम सेफ टू जर्नी पे चला जाए। और अंकल से मिलके बहुत अच्छा लगा अंकल। हैप्पी टू सेफ जर्नी अंकल। जगह क्या है? ये सिलीगुड़ी है। ये सिलीगुड़ी का मतलब जहाँ पर आप खड़े हो उसे ओवर ब्रिज कहता है। और सामने उधर देख रहे हो NGP स्टेशन है। NGP उस साइड में NGP पड़ता है। और इधर से आप जाओगे तो 3 बत्ती पड़ेगा। 3 बत्ती से फिर अगर सीधा जाओगे तो मतलब उधर झंकार मोर ERBU पड़ेगा। अगर आप इस साइड में चले जाते हो तो NGP का वो साइड मिल जाएगा, ठीक है? तो आप तो सीधा जाओगे, आप तो मतलब शेबोक होके जाना पड़ेगा लगता है आपको। शेबोक कहाँ बोल रहे थे आप जाना होगा? जनकपुर धाम से जाएगा। जनकपुर धाम से जाएगा, वहाँ पर तो फिर जाते जाते 3-4 दिन लग जाएगा ना। अंकल 65 ईयर्स ओल्ड है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है गाइस कि अंकल 65 ईयर्स ओल्ड है। फिर भी गाइस आप लोग देख रहे हो कि मतलब इतना जुनून के साथ, इतना मेहनत के साथ अंकल जा रहा है। अभी इधर से जाएगा सीधा उस ओर, मतलब जनकपुर धाम जाएगा। तो मैं अंकल को यही कहना चाहता हूँ कि अंकल स्टे एंड सेफ करके जाओ, ठीक है? एकदम देख के जाना। तो चलो गाइस, फिर अंकल के साथ आप लोग बने रहो। बाय बाय।